हेलो गाइज, मेरा नाम सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके पास है डिवाइस रेडमी नोट 10 या रेडमी नोट 10 प्रो या रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, तो इसमें पता है आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलता है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से हमें एक फीचर देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं और मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, और काफ़ी अच्छा ये फीचर आपको देखने को मिलता है। साथ में एज लाइटिंग का फीचर भी इसमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर में एक मतलब इशू देखने को मिलता है, या कमी बोल सकते हैं कि इसमें ये फीचर ओनली फॉर 10 सेकंड के लिए ही वर्क कर सकता है। मतलब रेडमी नोट 10 या प्रो मैक्स, तीनों के अंदर ही 10 सेकंड के लिए वर्क करता है। तो आप किस प्रकार से 10 सेकंड को रिमूव कर सकते हैं, मतलब परमानेंट इसको अनेबल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें Xiaomi ने बहुत सारे कस्टमाइजेशन तो दी है, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया Xiaomi ने, सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। रियलमी में सिर्फ कोई कस्टमाइजेशन नहीं देखने को मिलती, रियलमी 8 के अंदर बहुत बेकार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है। लेकिन रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर बहुत सारे कस्टमाइजेशन के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ओनली फॉर 10 सेकंड के लिए ही वर्क करता है। तो इसको परमानेंट किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। एक बार आपको चेकआउट कराता हूँ, ये देखते हैं ओनली फॉर 10 सेकंड के लिए ही वर्क करता है। मैंने ऑफ किया अपने स्क्रीन को, अब देखते हैं कुछ ही देर में चला जाएगा। तो मैं एक बार गिनती गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये देखते हैं ऑलमोस्ट 10 सेकंड हो चुके हैं, और 10 सेकंड तक ये विजिबल रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो इसको परमानेंट किस प्रकार से आपको अनेबल करना है वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नहीं है और वीडियो में आगे जाकर आपको वैल्यू लगी है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा। आजकल आप बहुत कम लाइक कर रहे हो तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। ट्रिक क्या, आपको बस बिना वीडियो को स्किप किए देखना है। सिंपली आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से, अगर आपके पास नोट 10 है या प्रो है, तीनों में एक ही स्टेप लगेगा। सिंपली आपको क्या करना है, अपने अबाउट फोन में जाना है। अपने फोन के अंदर अबाउट फोन में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको MIUI वर्जन, इस पे आपको टैप करना है। 7-8 बार टैप करेंगे तो जैसे मेरे को एक पॉपअप मैसेज शो हुआ है कि आप डेवलपर ऑप्शन आपको खुल चुका है, ये ऑलरेडी आप डेवलपर हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा खुल चुका है। अब ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनली सेटिंग में, 7 से 8 बार लगातार आपको टैप करना है, उसके बाद ये ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे लिटरली ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी ऑप्शन को ऐसे प्रकार से नहीं ऑन कर देना, सभी ऑप्शन को सिंपली आपको स्क्रोल करना है, सिंपली आपको नीचे जाना है। किसी भी सेटिंग के साथ आपको छिड़खानी नहीं करनी, सिंपली नीचे आपको 2 सेटिंग देखने को मिलेगी। एक होगा यहाँ पे हाई रिस्क की फीचर्स, और एक होगा MIUI ऑप्टिमाइजेशन, टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन। सिंपली क्या करना है, इसको आपको ऑफ कर देना है। अब ऑफ करने के बाद ये ओनली फॉर 5 सेकंड का टाइम मांगेगा आपसे, और यहाँ पे इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक मल्टीपल यूजर का एक हिडन फीचर आपको अनेबल हो जाएगा। और ये देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, अब आप परमानेंट हो चुका है, अब आप चेकआउट कीजिए। अब देखते हैं, मैं आपके सामने ही गिनती गिनता हूँ और आपको पता लग जाएगा ये परमानेंट हो चुका है, और मतलब ये रिमूव नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो देख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखते हैं अब अनलिमिटेड हो चुका है, मतलब ये मतलब परमानेंट सेट हो चुका है, अब कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप Redmi Note 10 या Redmi Note 10 Pro तीनों ही डिवाइस के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर का परमानेंट अनेबल कर सकते हैं, 10 सेकंड को रिमूव कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। शुक्र Xiaomi ने इसमें Realme की तरह धोखा नहीं दिया। Realme 8 के अंदर इतना बेकार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर सिर्फ एक ही वॉच फेस है, कोई भी डिजाइन नहीं उनका, एक ही खुद सिंपल सा डिफॉल्ट सेलेक्ट किया, अब आपको बस ऑन करके छोड़ना है और वो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वर्क करेगा। कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है, कोई भी कलरफुल लेआउट नहीं है, इतना बेकार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले Realme 8 का मुझे देखने को मिला। फिलहाल Redmi Note 10 Pro में ऐसा कुछ नहीं है, बस 10 सेकंड के लिए दिया, लेकिन उसको हमने फिक्स कर दिया किस प्रकार से परमानेंट कर सकते हैं, मतलब परमानेंट अनेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मतलब किसी भी फोन के अंदर Redmi Note 10 Pro या Pro Max तीनों में अनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों के पास भी Redmi Note 10 या Pro या कोई भी डिवाइस है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उसको पता लग जाए कि Pro या Max के अंदर किस प्रकार से आप इस 10 सेकंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।